की गोली से घायल चकनाहा पंचायत के मुखिया पूनम देवी के पति राजद नेता पप्पू यादव की मौत इलाज के दौरान वाराणसी अस्पताल में शुक्रवार की सुबह हो गई। इस मामले में पुलिस ने 4 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि 25 अप्रैल की रात अपराधियों ने पप्पू यादव को उस समय गोली मारी थी जब वो अपने कार्यालय से निकलकर अपने बुलेट से जल्द सिकरिया स्थित अपने मकान पर जा रहे थे कि सड़क पर बने ब्रेकर पर जैसे ही मुखिया पति ने अपने बुलेट धीमा किया कि खेत में घात लगाए हथियार बंद अपराधियों ने उन पर गोली चला दी और भाग निकले। 25/4/20 को चकरमा पंचायत के मुखिया पति के पति थे पप्पू यादव, ये अपने कार्यालय से शाम को 9:30 बजे के लगभग में लौट रहे थे अपने घर। उसी समय जेम्स स्कूल के पहले इन्हें गोली मारी गई थी और इनका विवाद इनके अपने ही चचेरे भाई पंकज यादव से चल रहा था और पप्पू यादव ही घाट चकनवा चला रहे थे, बरसों से चला रहे थे, लेकिन बीच में उनके चचेरे भाई को घाट चलाने का कंपनी से बात हुआ, अंततः पप्पू यादव के कारण उन्हें घाट नहीं मिल पा रहा था और वो एक षड्यंत्र के तहत अपने आदमियों के सहयोग से गोली घटना के दिन चलाए हैं। आज पप्पू यादव की मृत्यु ट्रामा सेंटर बनारस में हुई है, जिसमें अभी तक कुल 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। कांड का उद्भेदन पूर्ण रूप से कर दिया गया है और गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें घटना में जो भी शामिल हैं उन्हें स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और सख्त से सख्त कड़ाई सजा दी जाएगी। सर, मास्टरमाइंड भी फरार है क्या? हम लोग उसकी भी जांच कर रहे हैं और वह जल्द ही गिरफ्तार होगा। तो कितने की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हीं के गांव के हैं और पंकज यादव के सहयोगी हैं। रोहतास से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।